तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों को इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जो जियो आपका एक्सपायरी डेट वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने जियो एप्लीकेशन खोल लिया है, ये मेरा दिखा रहा है यहीं पर। देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है मेरा 10 days to go, योर प्लान इज अबाउट टू एक्सपायर। तो मुझको 10 दिन के बाद मुझको रिचार्ज करना पड़ेगा। उसके बारे में आप लोगों को कैसे आप डिस्काउंट पा सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे इस रिचार्ज पे डिस्काउंट पाने के लिए आपके पास ये देखिए, नीचे देखिए ये भाउचर है मेरा, नीचे माय भाउचर। यहाँ पे 8 मुझको भाउचर मिल चुके हैं, 8 भाउचर है मेरे पास। तो इसको हम ऐड करके रिडीम करेंगे उस कैसे, तो सिंपली हम यहाँ पे देखिए, मैं रिचार्ज पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, रिचार्ज पे क्लिक किया। अब देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मैं 399 का हर्बल डाल रहा हूँ, तो 399 ही डालूंगा, मतलब अभी नहीं डालूंगा, बाद में डालूंगा। मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता देता हूँ। उसके बाय नाम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए ये आ गया है, 8 vouchers अवेलेबल। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 8 vouchers अवेलेबल। तो हम इसको कैसे रिडीम कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए माय भाउचर पे मैंने क्लिक किया और ये जो आपका माय भाउचर है ना, सिर्फ आप यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, मैं दिखाया था। ये देखिए, नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी वॉलेट पे, किसी अकाउंट पे नहीं ट्रांसफ़र हो सकता। ये यहाँ पे लिखा है कंग्रेचुलेशन, यू हैव रिसीव कैश, यहाँ पे कैशबैक इन्फॉर्म सब कुछ लिखा हुआ है, टर्म एंड कंडीशन। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा 50 rupees, जहाँ पे आपके नंबर पे ही ये मिल सकता है। और किसी के नंबर अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं, आपके फैमिली में, आपके दोस्त में किसी को रिचार्ज करना चाहते हैं, तो उसके नंबर पे ये वैलिड नहीं करेगा, सिर्फ अपने मोबाइल पे ही वैलिड होगा। तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते। चलिए रिचार्ज पर क्लिक किया, मैं फिर से आपको लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद 399 प्लान सेलेक्ट किया, बाय पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये है अप्लाई डिस्काउंट वाउचर, 8 vouchers अवेलेबल दिखा रहा है। साइड में देखिए, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, क्लिक किया अप्लाई में। यहाँ देखिए वैल्यू दिया है 50 rupees, एक्सपायरी डेट इतना दिया है और क्वान्टिटी है 8, लेकिन हमको एक बार में एक ही क्वान्टिटी मिलेगा, सिर्फ 50 rupees हम माइनस कर सकते हैं। इस पर चेक मार्क किया यहाँ पे, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे अप्लाई पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे अपना 399 से 349 आ चुका है। देखा, ये देखिए प्लान प्राइस था 399, उससे डिस्काउंट वाउचर अप्लाइड माइनस 50 rupees और हमारा बचा 7 vouchers रिमेनिंग। उसके बाद इसको आप जिस अकाउंट से या जियो मनी पे वॉलेट से, फोन पे से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, पेटीएम से आप रिचार्ज करना सकते हैं, तो आपको 349 ही देना पड़ेगा, 50 rupees आपका माइनस हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है छोटा सा ट्रिक, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।